हमीरपुर उपायुक्त देव श्वेता बनिक ने बाल कल्याण समिति कार्यालय, जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय और वन स्टॉप सेंटर का निरीक्षण किया और इनमें उपलब्ध करवाई जा रही विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने कहा कि गंभीर अपराधों और घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से बहुत बड़ी राहत एवं सहारा मिलता है। हमीरपुर के वन स्टॉप सेंटर में ऐसी महिलाओं को बहुत ही अच्छी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि सेंटर में 8 महिलाएं आ चुकी हैं, उन्होंने कहा कि इस सेंटर को 2400 घंटे सुचारू रखने के लिए विभाग को जरूरी कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सेंटर का समय समय पर निरीक्षण भी किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि इस सेंटर के अपने भवन के निर्माण के लिए जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। भवन निर्माण के लिए बजट का प्रावधान भी किया गया है। इस अवसर पर उपायुक्त ने वन स्टॉप सेंटर, बाल कल्याण समिति कार्यालय और जिला बाल संरक्षण अधिकारी कार्यालय में महिलाओं तथा बच्चों हेतु विभिन्न सुविधाओं के विस्तार की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की। आज मैंने यहाँ पे जो वन स्टॉप सेंटर है जिला हमीरपुर के लिए, डिस्ट्रेस में जो महिलाएं हैं उनको इमीडिएट रेस्क्यू करके जो एक 5 दिन के अवधि के भीतर भीतर जो है वन स्टॉप सेंटर में लाया जाता है। उसके बाद जो अगली कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया जो है वो उस तरीके से उनको रेस्क्यू किया जाता है। तो उसके लिए वन स्टॉप सेंटर जो फिलहाल के लिए बनाया गया है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसका मैंने निरीक्षण किया यहाँ पे। तो वन स्टॉप सेंटर तो वेल मेंटेन्ड है, इक्विप्ड है, सारे अप्लायंसेज यहाँ पे है, कंफर्टेबल अकोमोडेशन है, लेकिन ये टेम्प्रेरी तौर पे चल रहा है। इसकी जो है जल्द कार्रवाई, जो नई वन स्टॉप सेंटर जो बननी है जिला हमीरपुर के लिए, उसके लिए फंड्स आ गए हैं, तो उसका हमने फॉलोअप किया, उसका स्टेटस भी लिया और उसके बारे में जो आगामी कार्रवाई है उसको करने के निर्देश भी दिए गए हैं डिपार्टमेंट को, ताकि हमारा अलग से डेडिकेटेड भवन जो है वन स्टॉप सेंटर के लिए बने। और अब तक कुल मिला के जब से खुला है तब से 8 महिलाएँ जो हैं यहाँ पर आ चुकी हैं और उनकी जो है आगामी रेस्क्यू की जो कार्रवाई है और लीगल जो है प्रोसेस है वो उसके बाद जो है जल्द ही उनका ऑन प्रायोरिटी कर दिया गया है। तो फिलहाल जो टेम्प्रेरी प्रमाइसेस में वन स्टॉप सेंटर चल रहा है वो अच्छे से चल रहा है, सारी सुविधाएं भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। बस इसको जो है 24 घंटे सुचारू रखने के लिए जो भी हमें विभाग के तरफ से जो है स्टेप्स लेने पड़ेंगे वो उनको करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और हम बीच बीच में जो इनका निरीक्षण करते रहेंगे ताकि जो भी हम इससे अभी कोई त्रुटियां हो या कोई कुछ भी इश्यूज हो उसको हम त्वरित रूप से जो है हल कर सकें। अभी फिलहाल तो मेरे नॉलेज में तो कोई कमी ऐसी आई नहीं है, अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इनके द्वारा सारे अप्लायंसेज आप खुद जाके देखेंगे तो यहाँ सारी सुविधाएं इसमें हुई हैं, ताकि जाहिर सी बात है सर्दियों का मौसम भी आ रहा है तो कोई कठिनाई ना हो महिलाओं को। पर इसको जो है 24 घंटे सुचारू रखना भी जरूरी है, उसके लिए हमें एडिशनल स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस मैटर पे भी हम जो है टेकअप करेंगे ताकि हमारा स्टाफ जो है और थोड़ा सा बढ़ सके, ताकि 24 घंटे ये चल सके, कभी भी जरूरत पड़े तो कोई भी महिला जो है इस केंद्र। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी HC शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी तिलक राज आचार्य और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।